प्रिय छात्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब ही होता है वाक्य विचार। ये ग्रामर के पांच भाग जो होते हैं उसमें तीसरे हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स का मतलब होता है कि वर्ब के मुताबिक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब होता है, कहाँ हम टू लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं, किस अवस्था में लगता है, किस अवस्था में नहीं लगता है, इसकी विस्तृत जानकारी होने से वाक्य में एरर्स चुनना या करेक्शन करना, ये मिसिंग, एडिटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, सभी आपको सही रास्ते पर जाएंगे और आप बना लेंगे। एसएससी एग्जाम या किसी भी प्रकार का इंटरव्यू या क्लास का एग्जाम भी आप असफल नहीं होंगे। तो सिंटैक्स की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे अभी हम बता रहे हैं सपोजिशनल। सपोजिशनल का मतलब होता है कोरी कल्पना, जिस ऐसी कल्पना जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, या हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न पूरा होता है थोड़े। तो इस प्रकार के वाक्य जो हम बनाते हैं वो प्रायः इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वुड दैट, इनसे शुरू होता है। तो आप ये देख लें, ध्यान रखें, ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि इन सबसे वाक्य शुरू होता है और वाक्य कोरी कल्पना मात्र है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं, ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, हमें वर्ब ही देना है। जैसे वुड दैट आई, ये सब्जेक्ट सिंगुलर के रूप में आता है, वाज आता है, लेकिन यहां आ जाएगा वर, ए बर्ड। ये कोरी कल्पना वाले सेंटेंस में, सपोजिशनल सेंटेंस में हम वर्ब का प्रयोग सिंगुलर करता हो चाहे प्लूरल करता हो, जो भी हो हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, यह ध्यान रखना है। चाहे इफ, एज इफ और एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वुड दैट से वाक्य यदि शुरू होता है तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही प्रयोग होता है, यदि इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या प्लूरल रहे, कुछ भी रहे, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा, अब दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। एक ही वाक्य में यदि दो या तीन से यदि तीनों प्रोनाउन प्रयोग हो, तो प्रोनाउन क्या होता है, आई, वी, यू, ही, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अलग अलग यदि प्रोनाउन होता है तब तो हम अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं, अलग अलग सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि एक ही वाक्य में तीनों प्रोनाउन यदि प्रयोग किया हुआ है या करना है, तो हमें किसको कब लिखना चाहिए, यह नियम है। इसको यदि एक ही ध्यान रखें कि यदि एक ही वाक्य में तीनों प्रोनाउन है तो हम पहले लिखेंगे सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, यानी 231 के नियमानुसार। जैसे हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि आई, वी, यू यदि एक ही वाक्य में सब्जेक्ट हो और अच्छे भाव को प्रकट कर रहा हो, तब अच्छे भाव को प्रकट कर रहा हो तो हम 231 के क्रमानुसार हम प्रयोग करेंगे, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं, वह और तुम अच्छे मित्र हैं, इसका हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई, यहां पर प्लूरल है इसलिए आर, एम के बदले आर हो गया यहां, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स,
अच्छे भाव को प्रकट करने के लिए, तो गुड फ्रेंड्स अच्छा भाव हुआ, इसीलिए हम यहां लगाए यू सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अच्छा भाव रहने पर लेकिन यही यदि बुरा भाव है तब हम क्रमानुसार देते हैं एक दो तीन। बुरा भाव भावना प्रकट होने पर एक दो तीन के क्रमानुसार, यानी तुम वह मैं दोषी हैं, तब तुम ही तुम वह और मैं हो गया, ये तो अच्छे भाव के लिए हुआ, इसमें आ जाएगा पहले आई, फिर यू, फिर ही, यू आई यू एंड ही आर गिल्टी। अगर ये हमको क्रमानुसार क्रम ठीक नहीं है, गलत है, पहले हम ही को कर दिए या पहले यू को कर दिए, तो यो सरासर गलत होगा, सेंटेंस गलत होगा, इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। और किताब में आपको, क्वेश्चन में आपको उल्टा पुल्टा करके जहां होना चाहिए यू यहां कर देगा ही, जहां कर देना चाहिए आई वहां कर दिया यू, तो ये गलत हुआ, चूंकि ये गलत भाव है। यहां अच्छे भाव के लिए हम करते हैं, तो अच्छे भाव में पहले आता है सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इसको सेंटेक्स के रूल के मुताबिक ध्यान में रखना है, इसलिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।